بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل القدر علماء الكرام معزز سامعین پردہ نشین اسلامی خواتین اور میرے ہم عمر، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم سب کو قرآن و حدیث سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. وہی رب العالمین ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی مالک ارض و سما ہے، وہی مالک یوم الدین یعنی آخرت کے دن کا پورا مالک ہے، اور وہی اللہ کل شیء قدیر ہے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور جتنا سمندر کا پانی ہے اس دنیا کے اندر اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اگر اس قلم اور سیاہی کے ذریعے ہم اللہ کی احسانوں کو اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں کاؤنٹنگ کرنا چاہیں لا تحصوها، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے احسانوں کو اور نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف. اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین قیامت
सुबह तक लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेगिनती बेहिसाब दरूद व सलाम के फूलों की बारिश नाज़िल फरमा, तमाम नबियों पर तमाम रसूलों पर बिलउमूम और बिलखुसूस आखिरी नबी खातमुल अंबिया इमामुल नबीयीन शफीउल मोमिनीन सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हजरत ये बात मेरे लिए बहुत मुसर्रत और खुशी की है कि मुझे आपके इस मशहूर और मारूफ इलाके चीता कैंप के अंदर आने का मौका। तकरीबन दो महीना तक आपके यहां एक जलसे आपका इनका किया गया था, जिम्मेदार ने दावत दी लेकिन वक्त की किल्लत ऐसी थी जिसके सबब मैं ना आ सका। लेकिन कल भिवंडी में प्रोग्राम था, जैसे ही इश्तिहार मंजर आम पर आया मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आप लोग मौके से फायदा उठाना बहुत अच्छी तरह है। जैसे ही पोस्टर सामने आया फौरन कॉल गया, शेयर अगर आप भिवंडी आ रहे हैं तो ये हफ्ते एक दिन हमारे चीता कैंप के लिए भी देने ख्वाहिश भी थी और इनकार करने की जसारत ना हुई, इसीलिए मैंने मुझे यहाँ पर अल्लाह के जरिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला, अल्लाह की तौफीक से मैं यहाँ पर आया हूँ। बहरहाल तमाम बातों को शुरू करने से पहले मैं अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ कि इलाहलालमीन तो हम सबको कहने सुनने के साथ जो बातें आज हैं उन पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। जो मौजू मुझे दिया गया है यकीनन वो मुहताज बयान है और उस मौजू को वाज़ह करना आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। मौजू है फितने के दौर में मुसलमानों की जिम्मेदारियां, यानी फितने को मुसलमान किस तरीके से खत्म करें, फितनों को मुसलमान किस तरीके से रोके, क्योंकि फितनों को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी हिंदू की जिम्मेदारी नहीं है, किसी ईसाई की जिम्मेदारी नहीं है, किसी यहूदी की जिम्मेदारी नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि फितना क्या होता है तो रोकेंगे कहां से। फितनों की जिम्मेदारी हमारी है, हमें फितनों को रोकना है तो फितनों के तौर पर मुसलमानों की जिम्मेदारी। आइए पहले फितने का माना समझते हैं कि फितना किसे कहा जाता है। जब तक आप फितने का माना नहीं समझेंगे तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप फितने को कैसे दूर करें। आपको ड्राइविंग करके ये समझिए मुंबई से हैदराबाद जाना है और आपको रास्ता ही पता ना हो तो आप कार कैसे चलाएंगे। पहले आप ये समझिए फितना किसे कहा जाता है, तभी तो फितने को रोकने की कोशिश करेंगे। तो फितने का माना क्या होता है, फितना किसे कहा जाता है, आइए पहले ये देखते। फितना ये अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब फितने का जो मादा है वो फा ता और नून है। और फितना अरबी जुबान के अंदर जो सबसे पुराना फितने का माना है वो ये है कि अरबी जुबान के अंदर फितना उस सोने को और उस चांदी को कहा जाता है जब उसको आग में गर्म किया जाए, आग में अच्छे तरीके से तपाया जाए और उस सोने और चांदी की जो गलाजत है वो गलाजत निकल जाए और जो साफ सुथरा सोना हमारे सामने आए उसे अरबी जुबान के अंदर फितना कहा जाता है। लेकिन कुरान करीम के अंदर फितना अलग अलग मानों में अलग अलग जगह इस्तेमाल हुआ है, फितना अलग अलग मानों में इस्तेमाल हुआ है। फितने का एक माना यह है अल्लाह
देना अल-इख्तिबार आजमाइश एग्जाम परीक्षा ये भी फितने का एक माना है। इमाम ज़ोहरी कहते हैं फितने का माना है अल-इख्तिबार एग्जाम देना आजमाना और इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। क्या कहा अल्लाह ने सूरह अनकबूत आयत नंबर 2 उठाई अलिफ लाम मीम أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله رب العالمين قرآن الكريم کے اندر فرماتا ہے أحسب الناس کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے وہ ایمان لے آئے وہ مومن ہو گئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا أن يتركوا کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے لا استغفر ہم ان کا اقسام نہیں لیں گے ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے ایمان آنے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کا کوئی امتحان نہیں لیں گے یفتنون یہاں یہ جو فتنہ ہے یا آزمائش کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے فتنے کا ایک معنی آزمائش ہوتا ہے اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو کلمہ پڑھ لے جو ایمان لے آئے ہم اس کا اقسام لیں گے ہم اس کا امتحان لیں گے تاکہ پتہ چل جائے کون سا سکہ کھوٹا ہے اور کون سا سکہ صحیح ہے کون کتنا زیادہ پانی کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کیا کہا اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر تم نے نہ بدل الذین ہاجروا من بعد جن لوگوں نے ہجرت کی مکے سے مدینہ ہجرت کی آزمانے کے بعد آزمایا گیا ان کو پریشان کیا گیا ان کو آزمایا گیا اس کے بعد ہجرت کی تو یہاں پر بھی آزمائش اور ابتلاء کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پتا چلا کہ فتنے کا معنی اگزام آزمائش اسی طریقے سے فتنے کا معنی ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے گا اللہ ہمارے امتحان لے گا اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے کون ہے جو اس امتحان میں ناکامی کا منہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون پکا مسلمان ہے اور کون سے نام کا طالب ہے۔ فتنے کا ایک معنی آزمائش اللہ آزمائے گا اور آزمانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرما دیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہارا امتحان لیں گے ہم تمہاری پریشا لیں گے ہم تمہارا اگزام لیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے اور آزمانے کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے اللہ ہمیں آزمائے گا ہمارا امتحان کیسے لیا جائے گا۔ امتحان تو دنیا کے اندر کافی ہوتے ہیں کوئی کالج کا اگزام دیتا ہے کوئی کمپنی میں جاب کا امتحان دیتا ہے لیکن اللہ کا امتحان ایسا نہیں ہے اللہ کا امتحان کیسا ہے اللہ کا اگزام کیسا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مینل خوف ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے ہم تمہیں دہشت کے ذریعے ڈر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے تم کی تم کتنے زیادہ پانی کے اندر ہو مینل خوف ہم تمہیں ڈر کے ذریعے آزمائیں گے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں ہندوستان کے اندر اگر فلا پارٹی کی حکومت آ گئی تو وہ تو ہمیں مار دی جیسے اس نے گجرات کے اندر مارا تھا ویسے ہم کو نہیں چھوڑے گا اگر اس کی حکومت آ گئی اور اس کی پارٹی جیت گئی۔ مسلمانوں تمہیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ اللہ کی ایک پریشا ہو سکتی ہے آپ کے لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے ہم ڈر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے جب میرے نبی نہیں ڈرے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں دنیا کے اندر بہت سی دنیا میں دیکھے ہیں ابو جہل ابو
नहीं है, किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बिना खौफ अल्लाह की कुरान नबी फरमाता है हम तुम्हें खौफ के जरिए आजमाएंगे, खौफ के जरिए तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। और भूख के जरिए भी हम तुम्हें आजमाएंगे। आप कहेंगे भूख के जरिए कैसे आजमाता है, जहां दंगे होते हैं, जहां मुसलमानों को मारा जाता है, या जहां कहीं बाढ़ आ जाती है। अगर आपने कोई बिहार के नाते का होगा और बिल्कुल अहलिया नहीं किया है, एक जगह है आज से तकरीबन 5 या 7 साल पहले वहां एक बाढ़ आई थी, जितने मुसलमान घरों से बेघर हो गए, खाने को भी कुछ नसीब नहीं होता था। जरा उसे पूछो भूख की हालत क्या होती है, मिनल जुआ हम तुम्हें भूख के जरिए आजमाएंगे, खौफ के जरिए, भूख के जरिए, मिनल खौफ खौफ देकर और भूख देकर, मिनल अमवाल और तुम्हारे मालों में कमी करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे कारोबार में तफसीस करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी मालों में कमी करके भी हम तुम्हारा एग्जाम लेंगे। और यकीन अल्लाह ताला तुम्हारे मालों में कमी करके एग्जाम लेता है। और उसके लिए जीती जाती मिसाल अभी 3 महीने पहले जो हमारे सामने हुआ वो हमारे सामने है, ये भी अल्लाह का एग्जाम है। क्या माल के जरिए आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में कमी कर देंगे और फिर देखेंगे जहां तुम 10 साल कमाते थे आज तुम 6 हजार कमा रहे हो, वो 10 हजार हलाल के थे, 6 हजार तुम कमा रहे हो, उसमें घर का गुजर बसर नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम हराम काम करने लग जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम चोरी ना करने लग जाओ, तो अल्लाह हमको ऐसे भी आजमा सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों हमको आगे के बारे में फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए और हराम से हमेशा बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला आजमाने की कैटेगरी बताता है कैसे आजमाया जाएगा, डर देकर, भूख के जरिए, मालों में कमी कर, वनक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस और तुम्हारी जानों में कमी करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। जानों में कमी करने का मतलब क्या है, हम तुम्हारे करीब लोगों की जान लेकर भी तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों की जान लेकर भी लेकर के भी आजमाएंगे, हम तुम्हारे माँ बाप को मार कर आजमाएंगे और देखेंगे कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो लोगों, हम तुम्हारे मालों में तुम्हारी जानों में कमी करके तुम्हें आजमाएंगे। वनफ्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्तमरात और तुम्हारी खेती बाड़ियों में कमी करके आजमाएंगे, तुम्हारे घरों में कमी करके आजमाएंगे। वबशिर सबिरीन और जो इन चीजों में सबर कर लेता है उसके लिए खुशखबरी है, वबशिर सबिरीन। आजमाने का तरीका भी अल्लाह ने हमको बता दिया, एग्जाम होने वाला हो, एग्जाम होने वाला हो मेरे प्यारे साथियों, आपको बस ये टेंशन रहती है न जाने एग्जाम के अंदर क्या आ जाए, पूरी किताब पढ़ ली है न जाने कौन सा सवाल आ जाए। हम लोग बुखारी और मुस्लिम पढ़ते हैं, एग्जाम के टाइम पर ना नहीं याद आ जाती है तुम लोगों की बुखारी, न जाने शेख मोहतरम कौन सा सवाल दे दे और उसका जवाब कैसे देना होगा। लेकिन अल्लाह कितना अच्छे इम्तिहान लेने वाला है, 7 बच्चों उसने पहले यही कर दिया कि हम किस तरीके से आजमा सकते हैं, खौफ के जरिए और तुम्हारे गरीबों की जाने लेकर भी तुम्हें आजमा सकते हैं। और एक बड़े पॉइंट की नुक्ते की बात बताऊं, जितना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के पेश नजर आजमाया गया है उनसे ज्यादा दुनिया के अंदर किसी को नहीं आजमा। नबी अकरम के कितने गरीब जाने लेकर अल्लाह ने आजमाया है। आइए बात आ गई है तो छोटी सी चीज आपके सामने रख दो कि अल्लाह ने अपने हबीब को कैसे कैसे आजमाया, अंदाजा लगाइए। अल्लाह के नबी पैदा हुए, आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बनकर पैदा हुए, मां ने आपका नाम अहमद रखा और दादा ने मोहम्मद रखा, मां ने अहमद रखा और दादा ने मोहम्मद रखा, इसीलिए मेरे नबी
میں ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا محمد میرا ایک نام محمد ہے وانا احمد میرا ایک نام احمد ہے وانا المقصی میرا ایک نام مقصی ہے وانا الحاکم میرا ایک نام حاکم ہے وانا نبی توبہ و نبی رحمہ میرا ایک نام توبہ والا نبی اور رحمت والا نبی ہے. تو میرے نبی کا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے. محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, محمد جس کی تعریف کی جائے مفعول ہے, اور احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. محمد جس کی تعریف کی جائے جس پر تعریف واقع ہو, اور احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. محمد پر اگر صرف نبی کے نام پر روشنی ڈالی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا اللہ کے بعد اس سے زیادہ دنیا کے اندر کسی کا ذکر نہیں کیا گیا. واضح مثال دے گا اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان اللہ کے نام سے شروع کرے گا, لیکن جب تک وہ اپنی اذان کے اندر یہ جملے نہ کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے نبی کا نام نہ لے دے تب تک اس کی اذان بتاؤ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہر کس نہیں ہو سکتی ہے اس کی اذان پوری. تو میرے پیارے ساتھیو ہمارے نبی محمد ہے آپ کا دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کا نام ہم نے سنا پڑی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك اس طرح کے اندر اللہ کا نام ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور یاد رکھیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ لا صلاۃ الا صلاۃ اس شخص کی کوئی بھی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لے. ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ کے اندر کسی اور کا نام نہیں اللہ کا نام ہے. ہم رکوع میں گئے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ کا نام اٹھے سمی اللہ لمن اللہ کا نام. ہم سجدے میں گئے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ اکبر. ہم نے پوری نماز اسی طریقے سے پڑھی پوری نماز اللہ کا نام لیتے رہے. لیکن ابھی ایک چیز اور باقی ہے وہ چیز کیا ہے اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد. ہم نے پوری نماز میں شروع سے اب تک اللہ کے نبی کا نام لیا اللہ کا نام لیا لیکن آخر میں ہم کو ضرور نبی اکرم کا نام لینا پڑے گا اور اپنے نبی کے اوپر ضرور بھیجنا پڑے گا. تو یہ نبی محمد ہے جو کہ آپ کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعریف اور احمد بھی ہے. احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, اور جتنی دنیا کے اندر میرے نبی نے اپنے رب کی تعریف کی ہے اس سے زیادہ کسی نے اپنے رب کی تعریف نہیں کی ہے. میرے نبی سلام کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. جہاں کوئی مل رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس سے بھی اللہ کا نام آ رہا ہے. میرے نبی کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, کھانے سے فائدہ ہو رہے ہیں الحمد للہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. میرے نبی اپنے
काफले के साथ मक्के के अंदर आ रही है, चलो मुझे भी कोई बच्चा मिल जाएगा, मैं भी किसी बच्चे को मारूंगी और उसकी परवरिश करूंगी, उसके बदले मुझे भी कुछ पैसा वगैरह मिल जाएगा। दाई हलीमा अपने गांव से मक्का आ रही है, हदीस के अंदर आता है उनका काफला 10-12 औरतों पर मुश्तमिल था, सारी औरतों की सवारी दाई हलीमा की सवारी से आगे निकल जाती है और हलीमा की सवारी इतनी ज्यादा कमजोर इतनी ज्यादा लागत थी कि वो सबसे पीछे रह जाती है। हजरत हलीमा अपनी सहेलियों को रुकने का हुक्म देती है, उनके साथ शहीद होकर आगे बढ़ती है, सारी सहेलियां मक्का पहुंच जाती है, पूरा काफला मक्का पहुंच गया। एक जगह पर मीटिंग की, ऐसा करो शाम को सारे लोग जो जो बच्चे में बैठे यहीं पर जमा होंगे और जमा होने के बाद गांव चलेंगे, सारे लोगों को बच्चे मिल गए, शाम होती है सारी औरतें जमा हो गई, लेकिन हलीमा का कुछ भी नहीं पता, औरतों ने देखा काफले की खवातीन ने देखा कि दाई हलीमा तो लेकर आ रही है, उनकी गोद में कोई बच्चा नहीं है, सारी कबीले की और काफले की औरतों के हाथों में बच्चा है। वो औरतें कहने लगी आए हलीमा तुम्हारे हाथों में बच्चा क्यों नहीं है, क्या हुआ तुम्हें बच्चा क्यों नहीं मिला। हलीमा कहती है मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, काफले की औरतों ने बताया फला फला घर में अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, तुम उसे ले आओ। दाई हलीमा कहती है मैं वहां गई थी लेकिन वो बच्चा यतीम है, उसका बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है, उसके बदले में हमें कुछ पैसा वैसा नहीं मिल पाएगा, बहुत कम मिलेगा, इसीलिए मैं उस बच्चे को छोड़ दिया। खैर काफले की औरतों ने कहा नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा है वही लेकर आ जाओ। बहरहाल दाई हलीमा ने हजरत हलीमा ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ले लिया, अभी आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, अभी आप सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, क्योंकि जब आप 40 साल के हुए तब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हुए, इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहूंगा, लेकिन जब भी मेरे नबी का नाम आए तो हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाई हलीमा ले जाए, अब मैं नहीं कहता हूं, आप दाई हलीमा की जुबानी सुनिए। दाई हलीमा कहती है जब मैं अपने गांव से मक्के की तरफ आ रही थी तो मेरी सवारी का हाल यह था कि सारी सहेलियों की सवारी आगे निकल जाती और मेरी सवारी पीछे रह जाती, लेकिन अब मैं जब अपने गांव की तरफ लड़ रही हूँ तो मेरी सवारी का यह हाल है कि सारी कभी आपने की औरतों की सवारी पीछे रह गई और मेरी सवारी आगे निकल गई, ये हाल। दाई हलीमा कहती आप बड़े होते चले गए, आप परवरिश पाते चले गए, आप उम्र आपकी उम्र बढ़ती गई, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हो गए। उस वक्त बकरियों का रेवा चढ़ाया जाता था, अल्लाह के नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी कुछ बकरियां लेकर जंगल में चले गए और बकरियां चराने लगे, और भी बच्चे आपके साथ में, अभी छोटी सी उम्र है 4 या 5 साल की उम्र है, आप जंगल में बकरियां चरा रहे हैं, 2 फरिश्ते आते हैं और उन्होंने आप पे पकड़ लिया, आपके सीने को चाप किया, आपके सीने को फाड़ा, 2 फरिश्तों ने पकड़ लिया आपके सीने को फाड़ा, और जो बच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ वो डर गए, उन्होंने सोचा शायद मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के घर पर आते हैं और कहते हैं आए हलीमा कुतला मोहम्मद, कुतला मोहम्मद, आए हलीमा मोहम्मद को कत्ल कर दिए गए, आए हलीमा मोहम्मद मार दिए गए, कुतला मोहम्मद, लगता है मोहम्मद का कत्ल गया, मोहम्मद के मरे गए, अल्हम्दुलिल्लाह। दाई हलीमा तोड़ी तोड़ी जब
ब्राह्मण दो लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरे सीने को फाड़ा, मेरे दिल को निकाला और फिर वहीं पर रख दिया। आज मेरी माँ ही ये हादसा मेरे साथ हुआ है। भाई हलीमा बड़े खौफ ज्यादा हो गई और वो मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लेकर मक्का जाती है और आमना के सुपुर्द कर देती है, आए आमना अब तुम अपने बच्चे को संभालो, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं संभाल सकती हूँ। अब बस मैंने इतनी दिन परवरिश कर ली, डर नहीं थी बेचारी, कहा अब तुम संभालो, तुम्हारी किस्तरी में है, मैं अपनी किस्तरी से दरखास्त करती हूँ, अब तुम्हारे हाथ में है बच्चा, तुम्हारा बच्चा खुद संभालो। कुछ दिन गुजर गए, आमना मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ अल्लाह के नबी से कहती है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से कहती है, आओ बेटा तुम्हें तुम्हारे ननिहाल लेकर चलती हो, तुम्हें तुम्हारा नानी का घर दिखाती हो, तुमने आज तक नानी का घर नहीं देखा है। अल्लाह के नबी मक्के के अंदर मक्के से मदीने जाते हैं, क्योंकि मदीने के अंदर आपकी नानी का घर था, आप एक महीना मक्के मदीने के अंदर रहते हैं, अपने नाना मामू के साथ खेलते हैं, एक महीने के बाद मदीना से मक्के की तरफ लौटते हैं। ये अल्लाह के नबी की माँ आमना अपने बेटे से कहती है, आए मेरे बेटे आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाऊं, आए बेटे आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की कब्र दिखाऊं, जिस बाप को मैंने तुम्हें देखा है, नाम से तुमको देखा है, तुम मेरे पेट में थे, वो मुझे तुम्हें छोड़कर चला गया था, आओ तुम्हारे बाप की कब्र दिखाऊं। एक जगह है अबुआ नाम मकामे अबुआ पर नबी के वालिद अब्दुल्लाह की कब्र थी, आमना उसी कब्र पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ले गई, बेटा ये तुम्हारे बाप की कब्र है, ये तुम्हारे बाप की कब्र है, इसी कब्र के अंदर तुम्हारा बाप है, तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही कुम के छोड़कर चला गया था, वो मर गया था, ये तुम्हारे बाप की कब्र है, ये तुम्हारे बाप की कब्र है। नबी अकरम ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने अपने बाप की कब्र को देखा, 5-6 साल की उम्र है, कम से कम इतनी तो कब्र के अंदर होती है, ये मेरे बाप की कब्र है। नबी अकरम भी 5-6 साल के थे, सोचा ये मेरे बाप की कब्र है, मैंने अभी तक अपने बाप को नहीं देखा है। और बच्चे अपने बाप के साथ जाते हैं, उनको बाप का प्यार मिलता है, लेकिन मैं तो बाप के प्यार से नहीं मिल रहा। नबी ने अपने बाप की कब्र को देखा, अब्दुल्ला की कब्र को देखा, आंखों से आंसू आ गए, अल्लाह के नबी रोने लगे, 5-6 साल के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की आंखों से आंसू टपकने लगे, ये मेरे बाप की कब्र है, इस कब्र के अंदर मेरा बाप है, जिसने ना मुझे देखा है ना मैंने मुझे देखा है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आमना की भी कुछ आंसू गिरे, मगर सोचा अगर मैं भी अपने मासूम बच्चे के सामने रोंगी तो मेरे बच्चे पर कितना खराब असर पड़ेगा। आमना ने बेटे का हाथ पकड़ा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा, बेटा चलो चलो चलते हैं। आमना कुछ ही दूरी पर चले, एक कदम दो कदम तीन कदम या चार कदम बढ़ाए, ना जाने आमना के दिल में क्या कसर कराया, उसके जहन में क्या ख्याल आया। आमना पीछे मुड़ी और नदी के वालिद अब्दुल्लाह की कब्र पर गिर जाती है और उसी मौके पर नबी की माँ का इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की माँ जैसा के बच्चे के सामने दम तोड़ देती है, मना सुनला मुलाल बलान कुल, आए मेरे वो हम तुम्हारे करीबियों की जाने लेकर तुम्हें आजमाएंगे, जरा सोचो यहाँ बाप की कब्र को देखा, आंखों से आंसू नहीं रुके, माँ का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला किस तरीके से आजमा रहा है, इतनी छोटी उम्र से आजमा रहा है, बाप की कब्र देखी आंखों में आंसू, माँ का इंतकाल हो गया, न जाने 6 साल के बच्चे के ऊपर क्या गुजरी होगी, जरा अंदाजा लगाइए। माँ भी चली गई, अब दादा की सरपरस्ती में
गुजर गए दादा मर गए, दादा के इंतकाल हो गया, हाँ हाँ अब तुम मुक्ति तुम मर गए, अब चाचा की सरपरस्ती में है, बड़े होते चले गए बड़े होते चले गए और इस्लाम की तबलीग करने लगे, लोगों को बताने लगे मेरे सही धर्म इस्लाम है, उसी में की इबादत की जाए, लोगों एक रब की इबादत की जाए, वो अकेला रब है अकेला माबूद है, मैं कोई अल्लाह की इबादत करो, अपने बाप दादा की दीन को छोड़ दो, बुतों की इबादत से दूर हो जाओ, बुतों की इबादत ना करो। मक्के वालों अब मक्के वाले अबू तालिब के पास आते हैं और कहने लगे आया अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, देखो वो हमें हमारे बाप दादाओं की इबादत से रोकता है, अपने भतीजे को समझा लो वरना मैं उसका हम लोग उसका जो अंजाम उसके साथ होगा वो नहायत खतरनाक होगा। शाम को अल्लाह के नबी घर आते हैं और जानते हो मेरे नबी जब घर आते थे तो हालत ये थी, सर फटा हुआ, कंधों पे चोट लगी हुई, पैर भी जख्मी हुआ करते थे। शाम को घर आते चाचा भी बड़ी मुहब्बत करते थे, प्यार करते थे, बड़ी मुहब्बत से समझाया, बड़े प्यार से समझाया, कहा बेटा ये जो तुम कर रहे हो इससे रुक जाओ छोड़ो, तो जानते हो उस वक्त अल्लाह के नबी ने क्या कहा, आओ मेरे चाचा अगर ये मक्के के लोग मेरे दाहिने हाथ पर सुन्नत रखते और बाएं पे चलने लगते तब भी मैं रब की दुआएं की दावत से नहीं हटूंगा, तब भी मैं अल्लाह की दुआएं की दावत से बाज नहीं आऊंगा। जब चाचा ने अपने भतीजे की जोश को देखा लेकिन कुछ दिन गुजरे कि चाचा भी मरहूमत मुतला गए, इंतकाल का वक्त करीब आया, नबी तो नजर आते हैं देखते हैं चाचा में सम्मोत में मुतला है, अल्लाह के नबी कहते हैं चाचा कलमा पढ़ने मेरे पास में ही लाइला है मिलने गए तो मैं मर्द तुम्हारी सिफारिश करवा दूंगा, लेकिन चाचा ईमान न लाए और हालत कुफर में मर गए, नबी के चाचा हो गया। जरा बराबर नजर नबी को कितना बड़ा झटका लगा होगा, सपोर्ट मिलता था चाचा से, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता था, चाचा मर गए, चाचा छोड़ के चले गए, बाप की कब्र देखी आंखों में आंसू, माँ भी मर गई, नबी को सदमा लगा, कुछ दिन के बाद दादा मर गए और यार चाचा का भी इंतकाल हो गया, नबी अकरम को किस तरीके से फितने में डाला जा रहा है, आपको किस तरीके
तो नबी को फितने में आया जाए। गौर करना कि फितना किसे कहते हैं, बहुत वक्त है मेरे पास और बहुत उसी से इंशाल्लाह आपको सिखा के जाऊंगा। तो फितना आजमाए आजमाए ना आए नबी अकरम को मां के इंतकाल दादा के इंतकाल चाचा के इंतकाल। अभी अकेली बची है साथ देने वाली कौन, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। कुछ दिन के बाद हजरत खदीजा और जानते हो हजरत खदीजा और मेरे नबी, हजरत खदीजा मेरे नबी का कितना सपोर्ट किया करती थी। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी मक्के के बाजारों में जाते, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते, इस्लाम की तरफ बुलाते, मार पड़ती घर आते। हजरत खदीजा अपने सरताज के जख्मों को देखती, उनकी चोटों को देखती, अपना दुपट्टा फाड़ती और नबी की चोटों पर जो खून होता उस खून को साफ करती और कहती कल्ला वल्ला ला युसी कल्ला हुआ बता। कल्ला का माना आप लोग नहीं जानते होंगे, कल्ला का माना आरफिस कल्ला वल्ला ना युसी कल्ला हुआ बता। आए मेरे शोहर मेरे सरदार मेरा रब आपके साथ है और जिसके बाद रब होता है दुनिया का कोई भी भाई जलाल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा रब आपके साथ है और जिसके साथ रब हो उसका दुनिया में कोई बात बेकार नहीं कह सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी होती है नेक बीवियां और ऐसी होती है नेक औरतें जो हर हाल में अपने शौहर का साथ दे। हजरत खदीजा की तरह जख्मों को साफ करती और अपने शौहर को दिलासा देती। और जानते हो मेरे नबी को अपनी इस बीवी से कितनी ज्यादा मोहब्बत थी। आज लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मेरे नबी ने 11 शादियां की। आज तुम ये कहते हो मेरे नबी ने 11 शादियां की। हाँ मेरे नबी ने 11 शादियां की। तुम्हें ये तो नजर आता है कि मेरे नबी ने 11 शादियां की, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता है जब तक मेरे नबी की पहली बीवी हजरत खदीजा जिंदा रही तब तक मेरे नबी ने कोई और शादी भी नहीं की, तुम्हें ये नजर नहीं आता है। मेरे नबी को अपनी बीवी से कितना प्यार था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ गोश्त बनाया, कुछ गोश्त बनाया और प्लेट में अल्लाह के नबी को गोश्त दिया। अल्लाह के नबी मेरे शोहर गोश्त खाएंगे, अल्लाह के नबी ने गोश्त की प्लेट ली, गोश्त का एक टुकड़ा उठाया, एक बोटी उठाई, अपने मुंह के नजदीक ले गए, करीब ले गए, लेकिन फिर वो गोश्त की बोटी उसी प्लेट में, फिर दोबारा उठाई, मुंह के करीब ले गए, फिर उसी प्लेट में, फिर उठाई, फिर मुंह के नजदीक ले गए, फिर रख दी। हजरत आयशा की मात्रा देख रही थी, कहने लगी अल्लाह के नबी क्या मात्रा है, क्या बात है, आप ये गोश्त क्यों नहीं खा रहे हैं, मैंने इतनी मोहब्बत से गोश्त बनाकर आपको दिया है, आप इसमें से गोश्त तलाब नहीं कर रहे हैं। मेरे नबी कहते हैं आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आयशा आज मुझे खदीजा की याद सता रही है। इसी तरीके से मेरे खदीजा भी मुझे गोश्त दिया करती थी, बड़े प्यार से बड़े गोश्त खाता था। आयशा आज मुझे अपनी बीवी खदीजा की याद आ रही है। हजरत आयशा को गुस्सा आ गया, कहने लगी अल्लाह के नबी क्या उस बुरी औरत के बारे में सोचते रहते हैं, क्या वो तो मर चुकी है, उसके बारे में ज्यादा ना सोचिए। अल्लाह के नबी क्या उस खदीजा का जिक्र करते रहते हैं। मेरे नबी को मानते हैं आय आयशा लगाम को रुक रुक की जुबान को, तुम्हें क्या जानो, तुम्हें क्या पता खदीजा मेरे लिए कौन थी। आय आयशा जब सारी दुनिया मेरे ऊपर पत्थर मार रही थी, जब सारी दुनिया मुझे पका रही थी, तब मेरी खदीजा मेरे जख्मों को साफ कर रही थी, तुम क्या जाना खदीजा मेरे लिए कौन थी। जब सारी दुनिया मेरी तकसीब कर रही थी, जब मेरी खदीजा मेरी तकसीब कर रही थी, तो मैं क्या पता खदीजा मेरे लिए कौन है। इतनी मोहब्बत थी मेरे नबी को अपने से। मेरे प्यारे साथियों नबी को आजमाया जा रहा है, तो फितने का मतलब क्या है, आजमाना इत्तला एग्जाम कोशिश तकलीफ। आपको भी आजमाया जाएगा, आजमाने के तरीके भी मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उस एग्जाम की तैयारी करना है। तो फितने का एक माना क्या है, एग्जाम,
और हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हम उस इम्तिहान के लिए तैयार है। फितने का दूसरा आए पढ़ देता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है इस आयत के अंदर अल्लाह अपने नबी को खिताब कर रहा है, आए मेरे नबी आप लोगों की ख्वाहिश की ताबेदारी ना कीजिए, आप लोगों की ख्वाहिश की पैरवी ना कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों फितने का एक माना ये भी पता चला, ख्वाहिश के पीछे भागना, ख्वाहिश की ताबेदारी करना, ख्वाहिशात के पीछे लग जाना। और बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा आज ये हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, ख्वाहिशात के पीछे चलना। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को रोक रहा है, आपको ख्वाहिशात के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ख्वाहिशात की पैरवी से बचे, हम नफ्से लवामा से नफ्से अम्मारा से बचे और उसके बचने की पूरी कोशिश करें और अपने भाइयों को उससे बचाने की कोशिश करें। मगर आज ख्वाहिशात की पैरवी कैसे होती है अंदाजा लगाइए, भाई की शादी होने वाली है, लड़की क्या कहती है अपने बाप से, मेरे भाई की शादी होने वाली है, मैं तो शादी में तुम्हें कसर ही दूंगा, पूरी कसर ही निकाल दूंगी। और बदबख्त बाप रोकने की भी कोशिश नहीं करता है। आज सारे लोग ख्वाहिशात के पीछे ख्वाहिशात मान जमा हो जाए, पैसा जमा हो जाए, मेरी बीबी हाजिर हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, खत्म। मेरे प्यारे साथियों आखिर की कोई चीज है उसके लिए आप लोग कहते हैं, बच्चे को कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं, बच्चा ये भी नहीं जानता है कि जुहर में कितनी रकातें होती है और मगरिब में कितनी रकातें होती है। मैडम जी ने फोन किया शाम को आना, टीवी की जो डिश है उसका बैलेंस खत्म हो गया है, घर में आना तो बैलेंस बदलवा के आना, वरना घर में ना आना। ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागने को और क्या है, क्या है मेरे प्यारे साथियों। और बड़े इंतहाई अफसोस के साथ कहूंगा वो खातिम इस्लाम जिसको मेरे नबी ने कहा था अब दुनिया कुल्हा मताउ मुस्लिम मता है दुनिया तुम्हारा तो सालिहा कि पूरी दुनिया मता है और दुनिया की सबसे ग्रेट चीज सबसे बेहतरीन चीज सबसे अनमोल चीज मदीना दुनिया का मोती अगर कोई है अल मरा तो सालिहा नेक औरत है नेक बीवी है। मगर अफसोस आज हमारी माए बहन मर्दों के मुकाबले ख्वाहिशात की पैरवी में ज्यादा आगे है, ख्वाहिशात की पैरवी में ज्यादा आगे नजर आती है। इस्लाम ने कुर्ते का हुक्म दिया लेकिन हमारे ख्वाहिश हम बुर्के का पहने, हम चीज पैरवी पहन के बाहर निकले, हमारी माए मेरे ख्वाहिशात के पीछे भी चल रही है। मेरी माँ बोलो जब तुम अच्छी थी तो तुमने अच्छों को जन्म दिया, तुमने मूसा को जन्म दिया, तुमने ईसा को जन्म दिया, तुमने मोहम्मद को जन्म दिया, लेकिन जैसे तुम बुरी बनी तुमने फिरौन को जन्म दिया, तुमने कानून को जन्म दिया, तुमने सुनने नसीब जैसे लोगों को जन्म दिया। जब तुम अच्छी थी तुम अच्छों को जन्म देती थी, जब से तुम बुरी बनी तुमने फिरौन को जन्म दिया। मेरे प्यारे साथियों और मेरी माओ बहनों फितने कितने का मतलब ये भी है कि जो हमारी ख्वाहिशात है उनके पीछे चला जाए, वो ख्वाहिशात जो इस्लाम के खिलाफ है। और फितनों का नंगा नाच हमारे सामने मौजूद है। आज हमारे घर जो आए हैं अल्लाह की कसम आज मैंने आपकी मुंबई के अंदर आई, आज मैंने जिसको पूरी दुनिया के अंदर उस बिलाव कहा जाता था आज मुंबई को मैंने देखा है, बहुत ही बहाश मुझे नजर आए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहूंगा अक्सर खवातीन बुर्का पोशी, अक्सर लड़कियां जो फहाशी में नजर आई वो बुर्का पोशी, ये मेरे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बड़े शर्म की बात है कि आज हमारी माए बहने हमारे घर की लड़कियां यहां जा रही है वहां जा रही है, हम उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनको रोकिए, उनसे सवाल कीजिए कहां नहीं
क्योंकि कुल लोग नाराज तो कुल लोग मसूल रही तुम आशा जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन उस सच्ची जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। कल कयामत के दिन से पूछा जाएगा तुम्हारी बेटी घर के बाहर निकल गई थी तुम्हें खबर नहीं थी, तुम्हारी बेटी क्या गई थी तुमने उसका जायजा नहीं लिया, तुम्हारी बेटी के लिए काम कर रही थी तुमने अपनी बीवी तुमने अपनी बेटी की सलाह नहीं की। कल कयामत के दिन तुम्हें हर शख्स से सवाल किया जाएगा, हर शख्स से पूछा जाएगा। जरूरत है आज ख्वाहिशात के पीछे ना लगने की, जो ख्वाहिशात इस्लाम के खिलाफ उसके पीछे मेरे प्यारे साथियों ये चंद रोजा जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है सर जिंदगी। और मैं जाने क्या क्या जहर में हमारी माओ बहनों के मेरे प्यारे साथियों मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं खवातीन के तालुक से थोड़ा सा बोलूं, मेरा मौजू के लिए नहीं है लेकिन जितना है मैं से हमारा जो पीछे भागना है किसी की जरूरत उसको भी बयान करने की ना जाने ना जाने हमारी माओ बहनों के आज जहर में दिमाग के अंदर क्या है। मगरबी तहरीर कहती है इस्लाम ने औरत को कैद कर दिया बुरके के अंदर उसको मुकैद कर दिया कैद कर दिया इस्लाम औरत को जरीर करता है। आज हमारी माए कहने की स्पष्टी हाँ इस्लाम औरत को जरीर करता है, इस्लाम औरत को इजाजत नहीं है वो आजादी नहीं देता है, इस्लाम ने औरत को दुनिया के अंदर बहुत जरीर किया है। लेकिन एक बात बताओ जितना औरत को इस्लाम ने निखारा है दुनिया के अंदर किसी मजहब में नहीं है। एक मिसाल दूंगा पहले आज से 5 या 6 साल पहले मोबाइल चलते थे कौन से चाइना उनकी कीमत क्या होती थी 500 रुपए 600 रुपए 700 800 1000 वो बड़े ये कीमत थे तो कभी यहाँ पड़ा है वहां पड़ा है मोबाइल के पीछे है आगे है उसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी। लेकिन अब जो मोबाइल चलते हैं बड़े हो गए एक से एक बेहतर मोबाइल सोनी का सैमसंग का और एप्पल का और लोग रखते भी है नौजवान मोबाइल रखते भी है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा मोबाइल की बात आई है आज लोग इस मोबाइल की वजह से सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर बढ़ा है। इस मोबाइल की वजह से जितनी ज्यादा बढ़ाइया इस मोबाइल ने आम की और किसी ने नहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों मुझे खुशी इस बात की है और मुझे फिक्र इस बात का है कि जितना ज्यादा काम हमारे नौजवान इस मोबाइल के जरिए सोशल नेटवर्क के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए कर रहे हैं आपको कसम ये भी बड़े फख्र की बात हमारे लिए है। हमारे नौजवान इससे बहुत ज्यादा पाक है वो मोबाइल कैसे यूज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जरिए बहुत से लोगों को हिदायत मिल भी रही है। मुझे इस बात पर बड़ी खुशी है अपने नौजवानों पर अपनी जमात की खुशी नौजवानों पर कि उन्होंने इसके जरिए बहुत अच्छा काम किया। तो मोबाइल एक चाइना मोबाइल उसकी कोई अहमियत नहीं थी और जो आज बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल होते हैं उसकी कितनी ज्यादा अहमियत होती है कोई उस पर कवर लगाकर रखता है कोई उस पर उमदा उमदा स्क्रीन गार्ड लगाकर ग्लास करवाता है कहीं मेरे मोबाइल को तकलीफ ना हो कहीं मेरे मोबाइल पर स्क्रैच ना आ जाए कहीं मेरे मोबाइल खराब ना हो जाए। आप भी अपने मोबाइल को दूसरे ले लीजिए आप बोलते हैं मेरा मोबाइल मेरे प्यारे साथियों आप दोनों ने मुआवजा कर लीजिए एक मोबाइल 500 का उसकी कोई अहमियत नहीं है आपके नजदीक लेकिन यही बढ़िया वाला मोबाइल आप इस पर अच्छे अच्छे कवर चलाते हैं उनका उनका कवर चलाते हैं क्योंकि ये मोबाइल आपके नजदीक बहुत अहम है। इसी तरीके से इस्लाम ने औरत के ऊपर कवर चलाया है इस्लाम ने औरत को पर्दे में रखा है क्योंकि इस्लाम के लिए औरत की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये नस्लों को बनाने वाली भी है ये नस्लों को तबाह करने वाली भी है। तो इस्लाम ने औरत के ऊपर कवर चलाया है इस्लाम ने औरत को बुरके का हुक्म इसलिए दिया ताकि वो औरों की निगाहों से दूर रहे वो अपने अंदर एक अहमियत की हामिल है। मेरे प्यारे साथियों और मजहब ने नहीं दिया इसीलिए इस्लाम कहता है औरतों जब तुम किसी गैर महरम से बात किया करो तो अपनी जबान के अंदर और अपनी आवाज के अंदर कुछ लचक पैदा ना किया करो बल्कि बहुत सिंपल तरीके से बात किया अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युहल्लज़ीन इस्तातर फमरतुन नजमस जिया के साथ अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो औरत अपने घर से बाहर निकले खुशबू लगाकर इत्र लगाकर कुछ
सुंदर प्यार भगवान का करो, इस आयु की रोशनी में अपने आप को देखो, आज हमारी जब तुम घर से बाहर निकला करो तो अपने जिस्मों पर जिला डालिया करो, माफ कीजिए कुरान गुरुदे का हुक्म नहीं देता है, मेरे नबी गुरुदे का हुक्म नहीं देते, जिलबाब का हुक्म दे रहा है कुरान। और जिलबाब किसे कहा जाता है? जिलबाब उस कपड़े को कहते हैं जो औरत के पूरे बदन को अच्छे तरीके से ढक सके, उसके हाथ नजर बनाए, उसके हाथ का एक नाखून भी नजर ना आए, उसे जिलबाब कहा जाता है। और कुरान जिलबाब का हुक्म देता है, जो कुर्ते का हुक्म नहीं देता है। लेकिन आज जो कुर्ते हमारे मौसमी के अंदर चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो गैर इस्लामी है, वो इस्लाम के मुताबिक कुर्ते नहीं है, वो इस्लाम के हिसाब के कुर्ते नहीं है, वो मुसलमान औरतों के कुर्ते नहीं है। आज मेरे प्यारे साथियों, एक मिसाल आपके सामने रखता है, मेरी माए बहने भी इस मिसाल पर अमल करें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बाग के अंदर, गार्डन के अंदर बड़े उमदा अच्छे अच्छे फूल होते हैं, उस फूल का मकसद क्या है? फूल अल्लाह ने क्यों बनाए? ताकि उसको देखा जाए और देखकर उसको हासिल की जाए। फूल इसलिए ताकि उसको देखा जाए और देखकर उससे खुशबू हासिल की जाए। और हमारी माए बहने जो कुर्ते पहनती है, उस कुर्ते का मकसद ये है ताकि औरत को देखा नहीं जाए। बस गौर करते रहना इन दो चीजों, भूल किस लिए? इसलिए बताइए, इसे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं बोलता रहा आप सुनते रहे। भूल किस लिए है? देखा जाए। और बुरका किसलिए है? नहीं देखा जाए। आप किसी को समझे, भूल किसलिए? देखा जाए। बुरका किसलिए? नहीं देखा जाए। अब मुझे ये बताइए, अगर बुरके पर भूल बना दिए जाए, बेल बुरके बना दिए जाए, तो उस बुरके का मकसद क्या रह जाएगा? उस बुरके का मतलब क्या रह जाएगा? जाहिर सी बात है, दोनों अलग अलग चीज है। और जब करंट और पानी को जमा किया जाता है तो फिर विस्फोट होता है और नहीं हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। आज जो बुरके हमारे यहाँ चल रहे हैं वो मुसलमान औरतों के बुरके नहीं है, वो इस्लामी औरतों के बुरके नहीं है। तो अपने दिमाग को बेहतर बनाइए और जिलबाब जो कुरान देता है, जिलबाब का इस्तेमाल कीजिए। तो जितना क्या है, ख्वाहिश की ताबेदारी करना, ये भी फितना है। फितने का एक माना और क्या है? कुरान की आयत पढ़ दे तो अंदाजा लगाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, और उन लोगों से तब तक लड़ो जब तक कि फितना खत्म ना हो जाए, जब तक कि फितना खत्म ना हो जाए। तफसीर के अंदर आता है कि इसके अंदर जिस फितने फितने के लफ्ज से मुराद शिर्क है। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि शिर्क उस वक्त तक लड़ते है जब तक कि शिर्क का खात्मा ना हो जाए। पता चला फितने का एक मतलब शिर्क भी होता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है हम लोगों को बताएं, हम लोगों को शिर्क से रोके, उन्हें तौहीद की तालीम दें, क्योंकि यही मेरे नबी का तरीका है, यही मेरे सहाबा का तरीका है। फितनों को रोकने का तरीका ये है कि हम लोग तौहीद की दावत दें और शिर्क से लोगों को बचाएं। कि मैं जिन तुम जिन मामूदों की इबादत कर रहे हो, जिन मामूदों की तुम पूजा कर रहे हो, डिपार्टमेंट तकसीम कर दिए, शोबे बना दिए। बच्चा मांगना है
से मांगो, मुश्किल कुशाई कराना है तो निजामुद्दीन चले जाओ, डिग्री बनवाना है तो आज यही चले जाओ, यहां चले जाओ। और अल्लाह की कसम पता नहीं कब्र के अंदर मौजूद क्या है, ये भी नहीं पता है। हैदराबाद जाइए, अपने आपके ताल्लुकात का भाव करो, उससे पूछिएगा क्या हैदराबाद के अंदर कोई घोड़े वाले बाबा है। एक घोड़े वाले बाबा है हैदराबाद के, बड़े मशहूर बाबा है, कभी भी किसी से बोल दीजिएगा, पता नहीं अंदर अंदर दफन क्या है, इंसान ही है जहां। एक लतीफा आपको सुनाओ, देखिए इस लतीफे से ही कम से कम अंदाजा लगा लीजिएगा। एक आदमी था, बेचारा बड़ा परेशान था, उसका काम धंधा नहीं चल रहा था, मारा मारा पिटा था, कोई काम धंधा उसके पास नहीं था। वो एक मजार पर आया और मजार पर भी ढूंढ कर रहने लगा, मांगने लगा, शायद भरी भी होगा, कह लगा बाबा कुछ काम धंधा नहीं चल रहा है, कुछ जरिए बनाओ, कुछ रास्ते बनाओ, कुछ करो। तो जो कब्र पर मुजावर बैठा हुआ था उसने उसको रोता हुआ देखा, ऐसा करो भाई मेरे पास एक गधा है, तो वो गधा लेता और उसे अपना काम, तू गधा लेकर आ गया। अब उस पर बोर डालता, सामान ढोता, शहर को शहर उठाओ, थोड़ा थोड़ा बस्ती लोग बस्ती, तो थोड़े बहुत पैसे आ गए कि रोजी रोटी चलने लगी उस गधे के जरिए उस बेचारे की। कुछ दिन गुजर गए, कुछ दिन बीत गए और उसके बाद उस बेचारे गधे का नुकसान, वो गधा मर गया। अब ये बेचारा बड़ा परेशान, जिसके जरिए खाना पानी चलता था वही बेचारा मर गया, उसने गड्ढा खोदा और कब्र के अंदर उसको दफन कर दिया, दाफ दिया। अब फर्क वो हाथ में बैठे बैठे रो रहा है और क्या कहता, तुम थे तो काम धंधा चलता था, बताओ मुझे इसके सहारे छोड़कर चले गए, तुम थे तो मुझे रोटी पानी बन जाता था, बताओ मैं क्या करूंगा, रो रहा है। कुछ लोगों का गुजर कब्र के पास से हुआ, गधे की कब्र के, वो गधे की कब्र के पास से देखा, ये आदमी तो बैठा हुआ रो रहा है, लगता है कोई बहुत बड़े बाबा जी कब्र के अंदर है, कोई बहुत पहुंचे हुए बाबा जी कब्र के अंदर है। वो लोग भी आ गए, चाहे चढ़ाए लगे, मांगने लगे, बस्ती वाले भी चढ़ाए गए, बड़े ऊंचे पोस्ट वाले बाबा जी की कब्र है, बस्ती वाले भी चढ़ा, हीरे चांदी पैसा सब चढ़ाने लगे। अब वो बड़ा खुश, तो अच्छा वो मर गए, बड़ा अच्छा काम धंधा चल रहा है, अमीर होता चला गया। कुछ दिन के बाद वही पहले वाली कब्र पे पहुंचा जहां से कथा मिला था, उसी कब्र पे पहुंचा, मुजाहिद से मुलाकात की, कहा भैया सब सही है, कहा सब सही, कहा यार तुमने जो गधा दिया उसने तो कमाल कर दिया, जिंदगी बना दी गई। कहा अच्छा, कहा यार तुमने क्या गधा दिया, मजा आ गया। वो पहले वाला मुजाहिद कहता है, तू जिसकी मजार पर पहले मांगने आया था वो उसका बाप था, लेकिन हमारी मुश्किल खुशाई तक मेरे प्यारे साथियों, मांगना है तो उससे मांगो जिसने हजरत यूसुफ के पास याकूब ने यूसुफ को मांगा था, कहा आईना अल्लाह ने यूसुफ ने मुझसे छीन लिया, आए अल्लाह मेरा यूसुफ लौटा दे, आए अल्लाह मेरा यूसुफ दे दे, मांगना है मुझसे मांगो जिससे हजरत याकूब ने मांगा, आए मांगना है तो उससे मांगो जिससे हजरत यूसुफ को मांगा था, अल्लाह ने कहा अपने बेटे को समंदर की लहरों के हवाले कर दू, नहीं मैं ये नहीं कह सकती हूँ, अल्लाह फरमाता है आए मूसा की माँ अपने बेटे को दरिया में डाल दो, लेंगे तो मूसा रंगे बना कर देंगे, मगर मांगना है तो उससे मांगो जिसने सर्वे कायनात में बदर के मैदान में मांगा था, काम था अल्लाह अगर ये मुट्ठी का जवाब, अगर ये 313 पुष्ट मुकाबला अगर हरा के बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अल्लाह नबी आज के बाद तेरा नाम लेने वाला कौन ना होगा। लोग मांगना है तो उससे मांगो, तुम किससे मांग रहे हो, तुम किससे अपनी फरियाद पूरी कर रहे, पूरी करवाने के मुतमंदी हो, जिसके बारे में कुरान कहता है कि वो कान नहीं सुन सकते हैं और तुम
दिन में अल्लाह दुश्मन बनता बना उसको सुनने दिया तुम खबरें मानो तुम नहीं सुना सकते हो और तुम बहरों को नहीं सुना सकते। अल्लाह ने शायद के अंदर दो बातें की और दोनों पर ये बोल देंगे तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते हो बना दुश्मन बनता और तुम बहरों को नहीं सुना सकते। जब अल्लाह शुरू में कुछ तमीज बांधे और उसके बाद खुद की जिक्र करे समझो अल्लाह ताला जो आप जिक्र कर रहा है बहुत अहम चीज है। अल्लाह ने क्या कहा तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते हो और तुम बहरों को नहीं सुना सकते। तफसीर के अंदर आता है मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने इसके आगे ये इसलिए जिक्र किया कि तुम बहरों को नहीं सुना सकते हो। एक बहरा है उसके पास सोचने की सलाहियत है वो चल सकता है बैठ सकता है खा सकता है बोल सकता है लिख सकता है पढ़ सकता है उसके पास सारी चीजें हैं उसके पास सारी चीजें हैं सिर्फ कान नहीं है तो तुम कान वाले को नहीं सुना सकते हो और जिसके पास जान नहीं है वो तुम्हारी कैसे सुन सकता है। अंदाजा लगाइए अल्लाह का कलाम भी कैसा है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है तो मेरे प्यारे साथियों ये शिर्क आज के माशरे का सबसे बड़ा मुद्दा है। जरूरत है हम इसको रोके हम लोगों को तौहीद बताए और इस मर्दों का काम नहीं है तौहीद की तालीम देना ये औरतों का भी काम है ये औरतों को भी करना है। तुम्हारी कोई सहेली अगर शिर्क करती हो तो तुम्हारा उसको रोकना भी जरूरी है क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन राजे को मुड़कर सही कई की रूमिया थी जब तुम मेरे कोई शख्स कोई भाई को देखे मत का नाम नहीं है और का नाम नहीं है कोई भी किसी भाई को देखे उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं है जुबान से रोके और जुबान से भी ताकत नहीं है कब से कम अपने दिल में बुरा जान ले ये काम औरतों का भी है ये काम मर्दों का भी है और किया है औरतों ने ये काम साहबियात ने ही करके दिखाया। एक साहबिया है नाम है हजरत उम्मे सुलैम रसूलुल्लाह तआला का नाम सुनाए कभी नाम सुनाए शाहरुख खान का नाम सुना है अरे मोहम्मद साहब का नाम कैसे नहीं सुना गंदे लोगों का नाम तो हमने सुना है लेकिन सहाबा और सहाबिया का नाम हमने नहीं सुना है जिनके बारे में मेरा कुरान कहता है रजी अल्लाह अन्हुम मेरा रब उनसे राजी और मेरे रब से राजी जिससे रब राजी जो रब से राजी उनके बारे में हम नहीं जानते हैं जिससे अल्लाह गजबनाक जो अल्लाह से गजबनाक उनकी हम फैन बन बैठे हैं। एक साहबिया है उन्हें सुने इनकी शादी काफिर से होती है नाम क्या उसका मालिक बिन नजर मुसलमान नहीं है वो किसी सफर पर गया इस औरत ने साहबिया ने इस्लाम कबूल कर लिया मुसलमान हो गई सफर से वापस आया पता चला बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी है कहा उन्हें सुने मैंने सुना तू मुसलमान हो गई तूने इस्लाम कबूल कर लिया कहा हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है मैं इस्लाम की दौलत से मालामाल हो चुकी हूँ कहा तू बद्दी हो गई है कहा मैं बद्दी नहीं हुई मैं तो ईमान वाली हो गई। एक बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा अनस अनस बिन मालिक वो थोड़े बड़े हो गए तो मां ने उनको कलमा सिखा दिया बेटा कलमा ये है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। उस चार साल के बच्चे ने कलमा याद कर लिया वो अपने बाप के पास आता है मालिक बिन नजर के पास आता है और कहता है अब्बा मुझे कलमा याद हो गया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। मालिक बिन नजर कहता है उम्मे सुलेम मेरे बच्चे को हराम आए उम्मे सुलेम मेरे बच्चे को बद्दी ना कर तू बद्दी है मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना कर। बहरहाल कुछ दिन गुजर गए मालिक बिन नजर मर गया काफिर का इंतकाल हो गया हजरत उम्मे सुलेम हिजरत करके मदीना चल गया मदीना में मदीने के एक करोड़पति अरबपति खरबपति आदमी हजरत अबू तलहा मुसलमान नहीं है उन्होंने हजरत उम्मे सुलेम को निकाह का पैगाम भेजा आई उम्मे सुलेम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ आई उम्मे सुलेम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंदाजा लगाओ बेवा औरत के शौहर मर गए साथ में बच्चा भी है जरूरतें बहुत होती है और ये करोड़पति आदमी हजरत उम्मे सुलेम को चाहिए था कि फौरन से निकाह के लिए तैयार हो। अंदाजा लगाओ बेवा औरत है
और पैगाम निकला कौन भेज रहा है, मदीने का दौड़ मदी साल। जरूर साहबिया के अंदर कोई ना कोई पार्टी तो रही होगी कि इस औरत ने कभी इंसान पैगाम क्या भेज रहा है। जानते है जानते है हजरत उम्मे सुलेम ने क्या कहा, आए अबू तलहा ये तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मैं तुमसे निकाल ये तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आ गया मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये तबकात कुबरा की रवायत है और इमाम के साथ इसको अपनी किताब के अंदर लेकर आए हैं। कहा ये तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मैं एक अल्लाह को मानने वाली हूँ और तुम कई खुदा के सामने झुकने वाले हो, नहीं मैं तुमसे शादी हूं कह सकती हूँ, मैं तुमसे निकल इम्पॉसिबल है हमारा तुम्हारा निकाह, मैं अल्लाह वाली हूँ हमारे भाई नफाज हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों ना तुम
की बात को गलत कहूंगी, ना मैं अपनी बात को गलत कहूंगा, ना कोई यहूदी अपने मजहब को गलत कह सकता है, ना कोई हिंदू अपने मजहब को गलत कह सकता है। तुम अपनी बात कर रहे हो, मैं अपनी बात करना रहेगा। तुम कहते हो जनाजे की नमाज जोर से नहीं पढ़ना चाहिए, तुम अपनी बात पर अड़े हुए। मैं कहता हूं जनाजे की नमाज जोर से भी पढ़ सकते हैं, जनाजे की जनाजे की नमाज आहिस्ता भी यानी सिर्री और जारी दोनों पढ़ सकते हैं। तुम कहते हो जारी नहीं पढ़ सकते, सिर्री पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तुम मेरी बात पर मुत्तफिक नहीं, मैं तुम्हारी बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ। हमारे तुम्हारे धर्म इन बात पर इख्तलाफ है। चलो मैं तुम्हारी न मानो, तुम मेरी न मानो, मैं तुम्हारी बात तस्लीम न करे, हम तेरी बात तस्लीम न करे। आओ हम इस बात को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लेके चलते हैं कि मेरे नबी का तरीका क्या है। मेरे जो मेरे नबी का तरीका हो, जो मेरे नबी का अंदाज है, उसे तुम भी मान ले, उसे मैं भी मान लेता हूँ। हमारे तुम्हारे झगड़े खत्म, नबी की बात सही, तुम भी उस पर इत्तेफाक कर लो, मैं भी उस पर इत्तेफाक कर लेता हूँ। जनाबे की नमाज जोर से पढ़ सकती है नहीं, आओ हम नबी का तरीका लेंगे। बुखारी की हदीस है, हदीस इस तरीके से अंदर हजर ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास قال سلمت خلفت عباس رضي الله عنهما على جنازه الدين فقرا بفاتحه الكتاب قال لقال من جنه رضي حديث حضرت العابر بل بلوتے فرماتے ہیں سلمت میں نے نماز پڑھی خلفت عباس رضي الله عنهما على جنازه الدين میں جنازے کی نماز میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے نبی پر مانتے ہیں
مغرب میں، عشاء میں، ظہر میں، عصر میں آہستہ کہتا ہے، ہم کو بھی آہستہ ہی پڑھنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقُولُ آمین. آمین نے کہا ہے، امام بخاری نے کہا ہے، جتنال کیا ہے آمین کے چار کا. اللہ کے نبی کی یہ الفاظ فَقُولُ اس بات کی دلیل ہے کہ آمین کے زور سے بولنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّبَّ فَقَدَّمَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ذُكِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. اگر تمہارے نبی فرشتے کی آمین سے مل گئی، اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جتنے گناہ ہیں، حاجی علی پہ چادر چڑھائی وہ گناہ نہیں، وہ گناہ معاف نہیں کرے گا. جو گناہ صغیرہ ہے نہ معاف کرے گا، گناہ صغیرہ معاف نہیں کرے گا. اس فتنے کو روکنے کی ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ
نبی فرماتے ہیں کیا میں جائے شباب آئے موت بارے من استطاع من قلتا تو آئے تبیلی بیٹھانے پلانے کی طاقت ہے اور اس کی پرس میں ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت ہے جو سن تجھو جو تم شادی کر دو نبی کا حکم ہے اور نبی کا حکم بھی واجب کا درجہ لگتا ہے تو تم تجھو شادی کر دو شادی کر دو اگر بیوی کو کھانے پلانے کی اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ذاتی ذمہ داریاں اس کو پورا کرنے کی طاقت ہے تو جلدی سے شادی کر دو دیر نہ کرو یہ فتنے کو روکنے کا طریقہ ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں وحی میں ایسے لوگوں سے جن کے پاس بیٹے بیٹیاں ہیں اگر وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور شادی کرنے کی طاقت ان کے اندر ہے تو دیر نہ کی جائے تاخیر نہ کی جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.